हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी लगा है कि हमारे धरती पर हमारे अलावा और कोई है? है तो कौन है और कहाँ है? तो इसी सवालों के जवाब आज मैं प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। बने रहे हमारे साथ। दोस्तों चलिए पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आने वाला हूँ अपने गूगल मैप्स पर, और दुनिया की बहुत बहुत मिस्टीरियस थिंग्स को मैंने सेव कर कर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सब आपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो पहले तो जिस बात के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया वो बता देता हूँ। तो दोस्तों यूएस से जो है ना अमेरिका, वहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये ब्राज़ील है। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर मतलब मुझे एलियंस का एविडेंस मिला हुआ है। हाँ, रिसर्च के अनुसार यह पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत वर्षों पहले एलियन रहा करते थे और अपने रिसर्च मतलब यहाँ पर करते थे, मगर अब वो कहाँ पर है वो तो पता नहीं, मगर उन्होंने एक एविडेंस जोड़ा, उसके हिसाब से पता लग चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक माउंटेन है, एक बहुत बड़ा माउंटेन है। तो यहाँ पर हम और थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। आपने कुछ नोटिस किया? मुझे लगता है किया ही होगा, अब तो कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, जोकर है, ह्यूमन है या एलियन? रिसर्च के अनुसार यही पता चला है कि ये किसी भी हमारे पुरखों की स्ट्रक्चर से बिल्कुल नहीं मिलता है। तो साफ बात है कि ये और कोई है। और यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च के मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स भी मिले थे दोस्तों, जिसको अभी यूएसए गवर्नमेंट अंडर रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने बाहर अभी अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं किया हुआ है। तो यही है वो दोस्तों जगह जहाँ बोला जा रहा है कि एलियन यहाँ पर वास निवास करते थे और अपने सारे काम यहीं पर करते थे। जब उनकी जाने की बारी आई तब उन्होंने एविडेंस के लिए यह यहाँ पर बनाकर चले गए थे। तो बात करते हैं ये असली है फेक की। तो अभी के वक्त के हिसाब से इतना बड़ा बनाना इंसान के लिए तो नामुमकिन है दोस्तों, और बनाएगा तो बनाएगा ही क्यों, टाइम तो कोई वेस्ट ही नहीं करना चाहेगा। तो एक कहाँ से आया, कैसे बना और इतना बड़ा कौन बना कर गया,